हेलो मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी कन्या राशि के लोगों को जातकों को बताना चाहेंगे कि कैसा रहेगा। दोस्तों, आपको कहेंगे दुश्मनों का सर्वनाश होना तय है, जो कि आप सभी कन्या राशि के लोगों के जीवन में शनिदेव हुए हैं क्रोधित। 12, 13 और 14 जून का समय यह भयंकर घटना होकर रहेगा। जीवन में कई बड़े बदलाव होंगे, जीवन में कई बड़े सकारात्मक परिवर्तन को प्राप्त करने के मौके प्राप्त होंगे। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि जीवन पर किस प्रकार पड़ सकती है, आज आपके लिए कैसा रहेगा, व्यापार व्यवसाय करियर लव लाइफ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन में कौन सा बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती है, तो आपका लकी नंबर लकी कलर कौन सा रहेगा, भाग्य का साथ और किस्मत का सपोर्ट किस प्रकार मिल सकते हैं, आपके जीवन में किस प्रकार लाभकारी परियोजनाओं को बनाना भी किस प्रकार शुभ और बेहतर हो सकते हैं। तो आज आपको बताएंगे कौन सा महत्वपूर्ण काम काजों को अंतिम रूप तक देना पड़ सकता है, तो किस प्रकार से आपके जीवन में खुशियों को प्राप्त करने के मौके मिल सकते हैं, आप सभी को जीवन में किस प्रकार खुशियों को प्राप्त करने के मौके मिल सकते हैं, तो सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, उससे पहले वीडियो को लाइक करें, माता रानी के भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। तो दोस्तों, आज का दिन काफ़ी बढ़िया है और जीवन में सफलता का प्रतिशत ऊंचा रह सकता है। जो भी करना है थोड़ी सी सावधानी पूर्वक से पूरा करना है। कन्या राशि के लोगों के जातकों के लिए दिन शुभ होंगे। दोस्तों, किसी महत्वपूर्ण इंसान या राजनीतिक से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। महत्वपूर्ण मुद्दे पर सलाह मशवरा होगा। परिवार के साथ मनोरंजन संबंध गतिविधियों में समय व्यतीत होगा। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग नकारात्मक गतिविधियों और संगति से दूरी बनाए रखेंगे। अपने व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्त रहने के कारण भी कुछ नज़दीकी रिश्ते नज़रअंदाज हो सकते हैं। अपने संबंधों को खराब हो जाने से बचाना भी आपके लिए आवश्यक हो सकता है। व्यवसाय में आंतरिक गतिविधियों पर पैनी नज़र रखना आवश्यक हो सकता है। दोस्तों, कोई भी बाहरी व्यक्ति आपके कार्य क्षेत्र की व्यवस्थाओं में कुछ विघ्न डाल सकते हैं। नौकरी में आज अपनी फाइलों तथा पेपर को सुव्यवस्थित करने में ओवर टाइम करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन भी सौंदर्यपूर्ण बना रह सकता है। प्रेम संबंधों में किसी गलतफहमियों की वजह से आज आप लोगों के जीवन में गलतफहमियों की वजह से दूरियां आ सकती हैं। खांसी जुकाम जैसे इन्फेक्शन से अपना बचाव रखें। स्वास्थ्य संबंध नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना आवश्यक होगा। लोगों के साथ विवाद ना बढ़े, इस बात को खास ध्यान रखने की कोशिश करनी होंगे। परिवार के लोगों के साथ मतभेद हो सकते हैं। काम को खै फोकस हटाकर बेकार की बातों पर अपना ध्यान को बनाए रखना हो सकता है। सहकर्मी के साथ विवाद हो सकते हैं। गलती से आप शब्द ना बोलें। पार्टनर्स पर जरूरत से ज़्यादा महत्व नज़र रखने से वह आपको पार्टनर्स को लेकर बंधन हो सकते हैं महसूस। पेट से शांत बीमारी हो जाने की संभावनाएं मिल सकती हैं। खान पान पर आप लोगों को ध्यान देना हो सकता है। जीवन में खुशियों को प्राप्त करने के मौके मिल सकते हैं। ग्रह नक्षत्र आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। आपको बेहतर उपलब्धियाँ महसूस हो सकती हैं। किसी भी कार्य को गंभीरताओं से विचार विमर्श करके उस कार्य को करने होंगे, आपको अवश्य ही सफलता हासिल होंगे। आज समय आत्ममनन में जरूर लगाने होंगे, सही गलत की समझ आएंगी। कभी कभी आपका गुस्सा तथा जल्दबाजी जैसे स्वभाव आपके लिए कुछ परेशानियां खड़ी कर देता है, तथा दूसरों के साथ संबंधों में खटास आ सकते हैं। व्यावसायिक गतिविधियां निर्बंधता आपकी चलती रह सकते हैं। सहयोगियों तथा कर्मचारियों को पूर्ण रूप से सहयोग मिल सकता है। आलस्य के साथ काम न करें, बल्कि कार्यों के सबको समय अनुसार पूर्ण करने की कोशिश करें। दाम्पत्य जीवन में उचित चांदन रहेगा। किसी पुराने मित्र के मर जाने से खुशनुमा यादें ताज़ा होंगे, उत्तम रहेगा। वर्तमान मौसम की वजह से लापरवाही करना बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा। काम से शांत प्राप्त हो रही जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने की कोशिश वजह से लोगों के मन में आपके सभी सुधरते हुए रह सकते हैं। जीवन में डिसिप्लिन बनाए रखने होंगे। जिस प्रकार से आप जीवन में डिसिप्लिन बनाए रखते हैं, उसी प्रकार से तनाव दूर होंगे, आपके लिए संभव होंगे। नौकरी में बदलाव करने की कोशिश सोच समझ कर करने होंगे। विवाह संबंधित बातों में अपनी अपेक्षाओं को समझने की कोशिश करने होंगे। हार्मोनल निबोलक्स की वजह से वजन में उतार चढ़ाव नजर आ सकते हैं। तो जीवन में खुशियों आलस्य को त्यागना हो सकता है। चीज़ों को व्यवस्थित करना हो सकता है। हर चीज़ों को लेकर मनमस्ती